अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ, और आपको फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मेरी अपनी जाती है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा आप मुझे दी कैम्बिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे, जहाँ मैं आपको फ्री SMC एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं अपने वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस को, और हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने ये जो लास्ट मैंने आप लोगों के साथ जो लाइव सेशन किया, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये वो प्रीवियस हाई है जिसे प्राइस ने अभी ब्रेक किया था, और जब इसको यहाँ से प्राइस को हमें रिस्पेक्ट देके बाउंस बैक करना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने बाउंस बैक नहीं किया और इसको आराम से ब्रेक कर दिया। जब प्राइस ने इसको आराम से ब्रेक किया तो मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि अब यही प्रीवियस हाई प्राइस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और कल आपने देखा कि न्यूज़ आने के बावजूद उसी प्रीवियस हाई ने प्राइस को रेजिस्टेंस दी और प्राइस यहाँ से नीचे गिर रही है। अब एज पर प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं कि प्राइस ने 1 और 2 बना दिया है, बस उसको 3 बनाने दे। जैसे ही प्राइस 3 बनाती है तो यही लो प्राइस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और प्राइस यहां से नीचे गिर सकती है। तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देगी, एक वैलिड ब्रेकआउट दे देगी, तो यही वो जोन होगा जो रीटेस्ट पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ये जोन हमारे पास है 104.182 से लेके 104.385। तो आने वाले दिनों में या एटलीस्ट कल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे गिरने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं। हम बाय में कब तक नहीं बैठेंगे जब तक के प्राइस कोई अपवर्ड डायरेक्शन की, अगर मैं इसको 1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको सारे को 2 कंसीडर कर लूँ, तो इस हाई का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं अपने आप को ये कंसीडर करूँगा कि शायद प्राइस बाय में जाने लगी है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स के बाय में जाने की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं देती। US 30 की तरफ हम चलते हैं। US 30 में आप ये देखें, यहां से हम एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज ये वो रीसेंट हायर लो था जो प्राइस ने ब्रेक किया था, लेकिन प्राइस आसानी से उसको ब्रेक करके ऊपर चली गई, आसानी से उसको ब्रेक करके नीचे आ गई। तो इसका मतलब है कि ये किसी किस्म का भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस के लिए नहीं था। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल ये है कि प्राइस ने अपने मोस्ट रीसेंट हायर लो से, जब हमने अप ट्रेंड निकाला था आप लोगों के सामने, तो ये वो एरिया था जो प्राइस के लिए हायर लो का काम कर रहा था। बेसिकली यहीं से प्राइस ने बाउंस लिया था। अब अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, ये 1 है और ये 2 है, तो बस प्राइस को एक 3 बनाने दें, उसके बाद इन्हीं हाईज के पास से आप एक जोन बनाएंगे। जोन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, और फिर यहाँ से आप एक बाय एक्सपेक्ट करेंगे। अगर प्राइस यहीं से नीचे आना शुरू कर देती है, ऊपर नहीं जाती, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर इसको पूरे को 1 कंसीडर करेंगे, इसको 2 कंसीडर करेंगे, और प्राइस को 3 बनाने के लिए इस लो का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इस प्राइस को इसके रिटेस्ट पे सेल फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर प्राइस इस हाई तक पहुंचने से पहले इंटरनली कोई 1 2 3 मूव बना दे, तब भी आप वहां से सेल फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा US 30 में आपको प्राइस का, ताकि वो कोई एक क्लियर पिक्चर बनाए सॉरी, और आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे। सो सेम केस जो है वो नैसडेक में भी हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको कंसीडर करें कि प्राइस ने 1 बना दिया है, प्राइस 2 बना रही है, प्राइस अगर 3 बना के इससे ऊपर जाके क्लोज कर देती है, तो फिर आपको इसी हाई के पास से कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर प्राइस ऐसा नहीं करती और प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 1 कंसीडर करे, यहाँ से 2 बना के 3 बना दे, तो फिर आपको इसी इसी लो के रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखें, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। आपको हर तरह की प्रोबेबिलिटीज को बेसिकली एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है?
आपको प्राइस के, आपको चार्ट में से अपॉर्चुनिटीज को जबरदस्ती निकालना होता है, फाइंड करना होता है। प्राइस आपको नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन कभी भी प्रोवाइड नहीं करती। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर आप देखें तो प्राइस ने ये 1 बनाया था, ये 2 बनाया था और ये 3 बनाया था, ठीक है। ये नीट एंड क्लीन 1 2 3 है। प्राइस इज एक्चुअली टेस्टिंग इट्स रेजिस्टेंस लेवल 0.65238 से लेकर 0.65427। आप क्या करें प्राइस के इस लेवल को, यही रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने का इंतजार करें, इसी के रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती, इधर से रेजिस्टेंस ले लेती है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यही करेंगे कि प्राइस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रॉपर कोई 1 2 3 मूव बनाने दें, उसके बाद जाहिर है आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। ओके, लेट मी रिमूव ऑल दिस स्टफ। अच्छा, यूरो यूएसडी में भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। प्राइस ने जब आपका लोअर लो को रिस्पेक्ट नहीं दी, इसके ऊपर चली गई, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फिर वही लोअर लो हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करता है। प्राइस जब वापस नीचे आई, उसी लोअर लो के पास से प्राइस ने आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। फिलहाल हमारी जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो ये एक जोन है 1.07832 से लेकर 1.08043। यहां से अगर प्राइस कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन की 1 2 3 मूव बना देती है, तो फिर तो हम सेल में कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि प्राइस ने 1 बना दिया, 2 बना दिया, बस अब एक 3 का इंतजार करें। जैसे ही प्राइस 3 बना दे, तो यही जोन जो है वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, कर सकता है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी थोड़ा सा डिफरेंट है। जीबीपी यूएसडी में एक नीट एंड क्लीन 1 2 3 मूव किसी भी डायरेक्शन की नहीं है। जीबीपी को किसी एक डायरेक्शन में, लाइक इसको मैं 1 कंसिडर करता हूँ, ये 2 कंसिडर कर लिया, तो प्रॉपर 3 जीबीपी यूएसडी को बनाने दें, फिर इस हाई के रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल जीबीपी यूएसडी में मेरे पास एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो द सेम केस इज न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर की करीब तरीन ये 1 बन चुकी, 2 बन चुकी, बस 3 बनने दें। जैसे ये 3 बन जाए, प्राइस वैलिड ब्रेकआउट इस हाई को दे दे, तो फिर इसी हाई के रीटेस्ट पे आप अपनी एंट्री प्लान करने की कोशिश करेंगे। जोन्स इसलिए नहीं बना रहा, जोन्स आप लोगों को बनाने आते हैं। यूएसडी सीएचएफ की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी सीएचएफ में हमारे पास नीट एंड क्लीन अगर कोई जोन है तो वो यही है, यही प्रीवियस हायर हाई था। यहाँ से अगर मैं 1 शुरू करूंगा या 2 शुरू करूंगा या 3 शुरू करूंगा, तो ये क्लियर हायर हाई था, लेकिन प्राइस इससे बहुत ऊपर ट्रेड हो रही है। तो अभी प्रॉब्ली प्राइस ये 1 बना चुकी, 2 बना चुकी, बस प्राइस को 3 बनाने दें। जब बना ले, तो इसी जोन के रीटेस्ट पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलें, सब कुछ डिलीट करते हैं। यूएसडी जेपीवाई में करीब तरीन हमने लास्ट टाइम ये करीब तरीन 1 2 और 3 मूवमेंट है, और आपने देखा कि प्राइस ने अपने प्रीवियस हायर हाई के पास से ही आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। अब जो मोस्ट रिसेंट सिचुएशन है वो ये है कि प्राइस जो है वो 1 बना चुकी, 2 बना चुकी, प्राइस को बस 3 बनाने दें। इस हाई से ऊपर जैसे ही क्लोज करेगी, रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड करने की कोशिश करिएगा। एक तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, दूसरी ये कि प्राइस 1 बना चुकी, 2 बना चुकी, इसको 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाने दें। जिस डायरेक्शन में भी प्राइस ये हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दे, तो आप इसके रीटेस्ट पे बाय फाइंड करेंगे। ये लो ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दे, तो इसी लो के रीटेस्ट पे आप सेल फाइंड करेंगे। कीप इट दैट सिंपल, दैट सिंपल, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग परेशान होने की कोशिश ना किया करें। अब हम चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई में भी देखें, प्राइस ने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, आपने देखा कि प्राइस अपने हायर लो के पास से ही ऊपर गई है। बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बस अब आप नेक्स्ट वीक में आप क्या करेंगे, इसको 1 कंसीडर करें या 2 और 3 बनने दें प्राइस को, फिर आप इसी के रीटेस्ट पे बाय फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकती है कि प्राइस ने 1 बनाया, 2 बना चुकी, 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाने दें, फिर
फिर आप इसी लो के रीटेस्ट पे सेल फाइंड कर सकते हैं। किसी बात की समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा पेयर्स हमें एनालाइज करने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये वन था, ये टू था, ये थ्री था। प्राइस अपने हायर लो के पास से ही आप देखें वापिस बाउंस बैक कर रही है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ये है कि प्राइस ने वन बनाया, टू बनाया, इसको थ्री बनाने दें, वैलिड ब्रेकआउट करे, तो इसी हाई के पास से आप बाय फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई वन टू थ्री मूव बना दे। गोल्ड की तरफ हम जाते हैं। गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि इस वक्त हमने प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स में और आईसीटी कोर्स में आप लोगों के लिए डिस्काउंट ऑफर की हुई है, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के लिए, जो कि एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर है। अगर आप प्राइस एक्शन कोर्स करते हैं तो एसएमसी कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री साथ में प्रोवाइड किया जाता है, और आईसीटी कोर्स में भी अच्छा खासा हमने आप लोगों के लिए डिस्काउंट ऑफर किया। अगर आप हमसे पेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए दिकैम्बिस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें, +92310690015 पर रابطہ करके हमारे कोर्सेज की मालूमात और डिस्काउंट ऑफर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गोल्ड में आप देख सकते हैं जनाब के क्लियरली वन टू और थ्री मूव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी हुई है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई रोला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो बस ये हमारा एक जोन है जहां से हम सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 2013 से लेके 2022 के दरमियान दरमियान यहां से हम सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर अगर हम इसको एक वैलिड वन टू और थ्री मूव मान लें तो फिर हमें इसी हाई के रीटेस्ट पे बाय अटेम्प्ट भी करनी चाहिए। ऑल्दो ये बहुत नीट एंड क्लीन वन टू थ्री मूव नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक वन टू एंड थ्री मूव है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस एरिया है यार प्राइस के लिए, बहुत जबरदस्त। 2013 से 2022 मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो बाय के लिए आप कम से कम इस जोन के ब्रेक होने का इंतजार जरूर करें, फिर इसके रीटेस्ट पे बाय कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 4H टाइम फ्रेम में आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की सेल मूव जरूर देखनी चाहिए, उससे पहले आपको सेल में बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। BTC की तरफ अगर हम चलें तो BTC 4H टाइम फ्रेम के मुताबिक माजरत चाहता हूं, वन टू और थ्री बना चुका। जब बना चुका तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास यही एक ऑप्शन है, 49692 से लेके 50708 डॉलर्स। यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस इसको आके टच करे और आपको यहां पे एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं। इथीरियम जो है वो भी एक बेहतरीन वन टू और थ्री बना चुका। प्राइस एक्शन इस दफा बड़ा नीट एंड क्लीन होता चला जा रहा है। 2648 से लेके 2699 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहां से आपको मेरे अंदाजे के मुताबिक एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं। सिल्वर में हमने जो भी पहले किया उसको भुला दें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ये देखें प्राइस, इसको मैं कंसीडर करूँ, ये वन था, ये टू था और ये थ्री था। अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। प्राइस ने अपना लोअर हाई भी ब्रेक किया और साथ ही साथ एक ओल्ड हाई भी ब्रेक कर दिया। तो ये दोनों जोन है यार, 23.17847 से लेकर 23.32970, यहाँ से भी आपको बाय मिल सकती है। और प्राइस अगर डीप पुल बैक ले, थोड़ा सा नीचे तक आए, डीप नहीं, थोड़ा सा मजीद नीचे आए, जो भी रिसेंटली उसने हाई बनाया था उसको ब्रेक, उसको रीटेस्ट करने आए तो 22.86636 से लेकर 23.07872 के दरमियान दरमियान आपको बाय मिल सकती है। इधर से भी बाय मिल सकती है और इधर से भी बाय मिल सकती है। जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करेगी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर आपने यहीं से सेल फाइंड करने की कोशिश करनी है। नेचुरल गैस फॉर शाहिद सुबहानी, शाहिद सुबहानी आपके लिए नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यार ये देखें, कोई नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन नहीं है, तो नेचुरल गैस मेरा ख्याल कोई बहुत बड़ी तबाही लेकर आने वाली है। फिलहाल नेचुरल गैस में मेरे पास एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी मुझे इस तरह के पुल बैक चाहिए यार। ये एक अच्छा पुल बैक, यहाँ इस तरह का कोई अच्छा पुल बैक आपको दिखाई दे रहा है? कोई पुल बैक दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं 4H टाइम फ्रेम के मुताबिक ये देखें डेली में,
डेली में क्या हो रहा है, प्राइस एक ही साइड की डिलीवरी दे रही है, तो जब प्राइस में पुल बैक आएगा वो बहुत ऊंचा पुल बैक हो सकता है। तो फिलहाल आई एम आउट ऑफ नेचुरल गैस, मैं नेचुरल गैस में ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा स्टे अवे फ्रॉम द नेचुरल गैस, उसको कोई बेहतरीन अंदाज से अपना काम करने दें। यहाँ पर हमारे पास बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। प्राइस इज रीटेस्टिंग इट्स रेजिस्टेंस लेवल, जो मैंने आपको लास्ट वीक भी शायद बताया था, 46213 से लेकर 46732। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो प्राइस को इस जोन से ऊपर क्लोजिंग करने दें, फिर इसी जोन के रीटेस्ट से बाय करिएगा, ये हाई आपका टीपी हो सकता है। अदरवाइज आपको 4H टाइम फ्रेम में यहाँ पर 1 2 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन की देखनी है, या एटलीस्ट 15 मिनट में इसी जोन में 1 2 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन की देखनी है, तो फिर आपको यहाँ से सेल करना चाहिए। निफ्टी 50 की तरफ अगर हम चलते हैं, निफ्टी 50 में जनाब, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्राइस ने अपने लिए एक जोन बनाया, और आप ये देखें प्राइस ने कैसे हमारे जोन को रिस्पेक्ट दी है, क्या बात है। 21535 से लेके 21806, तो देखें ये फायदा होता है आपको रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करने का। हमने एक जोन बनाया था, हमने अपने आप को बाउंड किया था कि प्राइस इस जोन में हमें बाय या सेल देगी, तो हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। यहाँ पर प्राइस ने बाय दे दी, अब आपने क्या करना है कि ये 1 बन गया, ये सॉरी 2 बन गया, ये 3 बनने जा रहा है। जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगी, तो इसी के रीटेस्ट पे आपको बाय मिल सकती है। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस, जो किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार बेहतर अंदाज से ट्रेडिंग करने का तरीकाकार क्या होता है, और उसके लिए हम आपके साथ मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे को ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर और ट्रेडर रियाज के फेसबुक पेज पर आप लोगों के साथ लाइव आते हैं सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और जो मेरी अपनी जाती ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है 1 2 3, मैं वो आपको उसके मुताबिक आपको ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। इसके अलावा आप में से जो लोग SMC के मुताबिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको हम दी कैम्बिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हर बुध को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आते हैं और आप लोगों को फ्री SMC ट्रेडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा जल्दी सीखना चाहते हैं और मेरी लाइफ टाइम मेंटोरशिप फ्री लेना चाहते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ हर मंथ एंड पे एक जूम मीटिंग लाइफ टाइम करूंगा इंशाल्लाह, वो पेड कोर्सेज की सूरत में, आपने सिर्फ एक दफा पेड कोर्स की फीस देनी है, उसके बाद लाइफ टाइम मेरी मेंटोरशिप। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको मिलता है, जहां पर आप मुझसे जब चाहें रब्ता कर सकते हैं, अपनी परेशानियां मुश्किलात मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो उस सूरत में आपको हमसे पेड कोर्स लेना पड़ेगा, पेड कोर्स की मालूम लेने के लिए +92 3106900125 पर रब्ता करके दी कैम्बिस अकेडमी से हमारे करंटली जो हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसकी मालूम भी ले सकते हैं और पेड कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कल सुबह 10 बजे आपसे इसी चैनल पर मुलाकात होती है, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।